Hello friends, this is Kanchan Kumari. Today we will discuss vocabularies related to relationships. This is part 1. Social conditioning एक compound word है, ये relationship article से लिया गया है. इसका ये मतलब है कि कोई भी individual वो किसी भी society में रहता है तो उसके जो thoughts, beliefs, behaviors, emotional reactions जो हैं वो उस society के द्वारा approved किया गया होता है. उसे ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही है क्योंकि उसके सोसाइटी में जो कर जैसा करते हैं वो उसके फॉलोवर ही बनता है. इसका वर्स्ट पार्ट ये है कि कभी कभी इंडिविजुअल को ये लगता है कि वो जो कर रहा है वो मॉरल एक्ट है क्योंकि उसके सोसाइटी में उसके सर्टेन ग्रुप में उस बात को गलत नहीं माना गया है. लेकिन रियलिटी ये भी हो सकती है कि द पर्सन माइट बी कमिटिंग द वर्स्ट काइंड ऑफ इमोरल एट्रोसिटीज एवर. सो इसीलिए हमें ग्लोबली भी सोचना चाहिए, अब जस्ट सोशल कंडीशनिंग में नहीं रहना चाहिए. उसी समाज के बेस पर हमें नहीं सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं सही है. ऐसा भी हो सकता है कि जो हम कर रहे हैं वो नहीं सही हो. एग्जाम्पल सेंटेंस, वी शुड राइज अबव सोशल कंडीशनिंग एंड लिव एन अमेजिंग लाइफ. डीकंडीशन योर सेल्फ फ्रॉम सोशल कंडीशनिंग. दोनों का एक साथ मीनिंग बताती हूँ. हमें सोशल कंडीशनिंग से ऊपर उठना चाहिए या सोशल कंडीशनिंग से अपने आप को डीकंडीशन करना चाहिए, तभी हम अमेजिंग लाइफ जी सकेंगे. इन मैरिज टू पर्सन, दो लोग दो अलग ग्रुप से आते हैं, वो एक साथ रहते हैं. ऑब्वियसली उनके दो अलग अलग सोसाइटी थे. अब अगर उन्हें साथ रहना है तो एक दूसरे को समझना होगा क्योंकि दो अलग अलग सोसाइटी से दे बोथ आर सोशली कंडीशन. लेकिन वो साथ कैसे रह सकते हैं? They would have to rise above social conditioning. उन दोनों को अपने सोसाइटी के बिलीव से ऊपर उठना होगा, तभी वो एक हैप्पी लाइफ, अमेजिंग लाइफ जी सकते हैं. थर्ड, थ्रू आउट योर लाइफ यू आर बींग सोशली कंडीशनड बाई योर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. पूरे जीवन हम जहाँ रहते हैं उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होते हैं. वहाँ का जो थाट है वो हमारा हो ही जाता है ज़्यादातर, मोस्टली. इसलिए कहा जाता है कि अगर हम अच्छे संगत में रहेंगे तो हमारे विचार उतने अच्छे होंगे. अगर हम कुछ गलत जगह रहेंगे जहाँ लोगों का थॉट गंदा है तो ऑब्वियसली हमारे भी वैसे होने के प्रोबेबिलिटी रहेगी. मोनोटोनी इज अ नाउन. इट्स एग्जेक्टिव इज मोनोटोनस. इट मीन्स लैक ऑफ वैरायटी इन इंटरेस्ट, टीडियस रिपीटेशन एंड रूटीन. सेम चीज बार बार करने से, एक रिपीटेशन से एक इंटरेस्ट कम जाता है सेम चीज़ को करने से, और उसे हम बोरियत भी कह सकते हैं. एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं. द रूटीन वॉज द सेम एवरी डे विथ नथिंग टू ब्रेक और रिलीव द मोनोटोनी. सेम रूटीन था डेली का, सेम टाइम पर सेम काम डेली करना पड़ता था और कुछ भी नहीं था जिसे कि इस मोनोटोनी को ब्रेक किया जाए, इसे कुछ आराम पाया जाए. सेकेंड, दे वॉच फुटबॉल टू लूज themselves इन द गेम एंड टेक अ ब्रेक फ्रॉम द एवरी डे मोनोटोनी ऑफ देयर लाइफ्स. वो फुटबॉल इसलिए देखते हैं ताकि खुद को गेम में इन्वॉल्व कर सके और एक ब्रेक मिल सके. रोज दिन का एक जो मोनोटोनी है, जो रिपीटेशन ऑफ टास्क है, उससे एक मजा आ सके, एक अच्छा लग सके, प्लेजर मिल सके. थर्ड, द ब्राइड थॉट लाइफ इन द स्मॉल टाउन वाज मोनोटोनस. एक ब्राइड को ये लगा कि स्मॉल टाउन में उसकी शादी हुई और उसे ये लगा कि वहाँ का जीवन मोनोटोनस होगा, बोरियत भरा होगा, वहाँ अच्छा नहीं लगता होगा, प्लेजरेबल लाइफ नहीं होगा वहाँ पे. अराय इज एन एडजेक्टिव. अराय मीन्स नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, टर्न्ड और ट्विस्टेड टवर्ड्स वन साइड. एग्जाम्पल सेंटेंस, फर्स्ट आवर हनीमून प्लान्स वेंट अराय. हमारे हनीमून का प्लान अच्छा नहीं हुआ, डिड नॉट फंक्शन वेल. वो प्लान किया था और कुछ गड़बड़ हो गई जिससे मजा नहीं है, एक प्लेजर नहीं आया. सेकेंड, थिंग्स वेर अराय फॉर अ फ्यू डेज. मीन्स सिचुएशन कुछ दिनों के लिए बहुत खराब था, अराय था. थर्ड, हिज हैट वॉज ऑल अराय. उसका हैट जो था वो अराय था, मीन्स यहाँ ट्विस्टेड था, ट्विस्टेड टुवर्ड्स वन साइड. हैट इस तरह का है जो वन साइड से टर्नड है, ट्विस्टेड है. फोर्थ, एन अटेम्प्टेड रॉबरी और ट्रांजेक्शन वेंट अराय बिकॉज ऑफ द लुकआउट. एक ट्रांजेक्शन या रॉबरी, ऑफलाइन ऑनलाइन का बस फर्क है, जो अटेम्प्ट किया गया वो अराय हो गया. मीन्स इट वेंट अराय, मीन्स ये खराब हो गया, इट डिड नॉट फंक्शन वेल. वो हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ द लुकआउट, क्योंकि वहाँ लुकआउट था. लुकआउट क्या होता है? लुकआउट मीन्स अ पर्सन हु वॉचेज फॉर डेंजर और अ हाई प्लेस वेयर अ पर्सन कैन लुक एट वॉट इज हैपनिंग इन द एरिया अराउंड देम, स्पेशली इन ऑर्डर टू वॉच फॉर एनी डेंजर.
जब कोई होगा जो जो ये इंश्योर करेगा कि कोई डेंजर हो ना, मीन्स कोई रॉबरी हो ना, तो ऑब्वियसली ये ट्रांजैक्शन या ये रॉबरी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। एक एग्जांपल लुकआउट का, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, वन ऑफ द बर्गलर्स वेटेड आउटसाइड टू एक्ट एज अ लुकआउट। जब चार पांच रॉबर बर्गलर्स गए रॉबरी करने के लिए, तो एक बर्गलर बाहर खड़ा रहा टू एक्ट एज अ लुकआउट, मीन्स वो एक गार्ड का काम कर रहा था कि कोई डेंजर ना आ जाए, मीन्स उसके रॉबरी में कोई डेंजर ना आ जाए, ताकि वो इंश्योर कर सके कि उसकी रॉबरी उसकी सक्सेसफुल हुई। Wake-up call means a shocking event that changes the way many people think. It is generally for a ongoing bad thing, कुछ गलत हो रहा है जिसका हमें पता चला और उससे हमें ये लगता है कि perhaps ये wake-up call है अब सुधारने का, अब सही करने का। First example, the 30% drop in annual profit served as a real wake-up call for high street retailers. जो profit में जो loss हुआ, जो drop हुआ, ये रियल वेकअप कॉल है हाई स्ट्रीट रिटेलर्स को। अब सोचना पड़ेगा कि कैसे वो आगे बढ़े, कि शायद वो कंप्लेसेंट हो गए थे, उनको कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी। सेकेंड, दीज डेज माई फ्रेंड इज नॉट हैविंग अस टू स्लीप, इट इज़ प्रोबेबली द वेकअप कॉल फॉर लव। आजकल मेरे फ्रेंड को नींद नहीं आती है, ये शायद वेकअप कॉल है लव के लिए, शायद उसे प्यार हो गया है। अब ये डिपेंड करता है कि लव अच्छा चीज़ है या बुरा चीज़ है, इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द सोशल कंडीशनिंग। किसी इंडिविजुअल के लिए ये अच्छा चीज़ हो सकता है, किसी इंडिविजुअल के लिए इट माइट बी लाइक बैड थिंग, कोई एक एट्रोसिटीज़ के बराबर भी हो सकती है कि बहुत ही गलत काम है, ये क्राइम के टाइप है, तो इट डिपेंड्स। कुछ और वर्ड जिसको जानने के बाद हम इस सेंटेंस का, जो आर्टिकल का क्यों कुछ सेंटेंस उसे समझ पाएंगे। क्रूअल फेथ मतलब सोशल कंडीशनिंग की वजह से किसी इंडिविजुअल को कोई गलत काम भी ये लगेगा कि वो मोरल कर रहा है, वो जो कर रहा है वो जेन्यूनली सही है। एवरी सो ऑफन एक फ्रेज है, एवरी का इसका मतलब है टाइम टू टाइम, बीच बीच में। मोर ऑफन देन नॉट मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर। अब हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे और कम्प्लीटली समझेंगे। आवर सोशल कंडीशनिंग डिक्टेट्स दैट चीटिंग इज रॉन्ग एंड दैट इफ यू हैव चीटेड नॉट ओनली डू यू हैव टू कम क्लीन टू योर पार्टनर बट यू ऑल्सो हैव टू सफर अ क्रूअल फेथ। सेकेंड, एवरी सो ऑफन ट्राई टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम मैरिटल मोनोटोनी एंड यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू फोकस ऑन ईच अदर एंड स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन and intimacy. Third, more often than not, cheating is usually a wake-up call to a relationship going awry. Thank you friends, we will meet soon with relationship vocabulary series part 2. If it has been useful to you, then please like, comment on it, share with your friends and subscribe for more upcoming videos. Bye.